दोस्तों वर्ल्ड कप का आठवां मुकाबला जो कि खेला जाएगा पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के बीच। आपको पता दोस्तों पाकिस्तान जो है ऑलरेडी नीदरलैंड्स को हरा कर आ रहा है और अब वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला जीत कर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों श्रीलंका जो है पूरी तरीके से बुरी तरीके से हार कर आ रहा है। किससे? साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका ने दोस्तों एकदम बहुत बड़ा झटका दिया। इसके साथ साथ दोस्तों उसी के मुकाबले में 3 सेंचुरी लगाया साउथ अफ्रीका खिलाड़ियों ने। इसके साथ साथ दोस्तों एडम मर्गन ने फास्टेस्ट सेंचुरी लगाया 49 गेंदों में। इसके साथ साथ साउथ अफ्रीका ने जो है श्रीलंका के खिलाफ सबसे बड़ा ओडीआई वर्ल्ड कप का स्कोर बनाया। तो बहुत सारे रिकॉर्ड जो है साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका के खिलाफ बनाया दोस्तों। वही दोस्तों पाकिस्तान जो है नीदरलैंड्स को हराकर एकदम शानदार तरीके से आ रहा है दोस्तों। वही बात की जाए श्रीलंका जो है लास्ट मौक एशिया कप में मात बहुत ज्यादा बुरी तरीके से हारा फाइनल। उसके बाद से दोस्तों इसकी थोड़ी सी किस्मत पलट गई है। किस्मत और बुरी होती है, थोड़ा बहुत जो ये ऊपर उठ रही थी अब जो है वो और भी नीचे जा रही है श्रीलंका की टीम। वहीं पाकिस्तान जो कि एशिया कप से पहले दुनिया की नंबर 1 ओडीआई वर्ल्ड कप टीम थी वो भी अब घटकर 2 नंबर पे आ चुकी है। सो पाकिस्तान दोस्तों एशिया कप में तो कुछ खास कर नहीं पाए, पर दोस्तों बॉमा गेम में दोस्तों न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों खिलाफ ये मुकाबला हार गई थी। तो उस हार को जो है जीत में बदल दिया नीदरलैंड्स के जीतने के साथ साथ। तो दोस्तों उनका जो पहला मुकाबला था जैसा कि मैंने आपको बताया नीदरलैंड्स से था, उसमें दोस्तों इसने जो है 287 रन को 81 रन से जीत लिया दोस्तों उस मुकाबले। तो वहीं दूसरी ओर श्रीलंका दोस्तों तो टूर्नामेंट का जो है फाइनल में एशिया कप में हार गया। जैसे कि मैंने आपको बताया श्रीलंका लॉस देयर टू वार्म अप गेम्स अगेन बांग्लादेश और अफगानिस्तान। सो सकते छोटी मोटी टीम से ये मुकाबला हार रही है, बांग्लादेश से भी और अफगानिस्तान से भी प्रैक्टिस मैच ये हार चुकी है। और इसका पहला मुकाबला जैसे कि आपको बता दोस्तों इसके बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी लाइक चमीरा और बांडू हसनंगा दोनों जो है वो इंजरी के कारण दोस्तों वो वर्ल्ड कप से बाहर, जिस कारण से थोड़ी सी टीम कमजोर नजर आती है। वहीं जिस प्रकार से साउथ अफ्रीका ने इसके साथ किया 428 रन बनाया उसे यही साबित होता दोस्तों कि थोड़े बहुत मुश्किल में है कौन श्रीलंका टीम। सो पाकिस्तान लुक विन द क्लास एंड विल द मोमेंटम। तो पाकिस्तान इस मुकाबले को जीतना चाहेगा, वहीं दोस्तों श्रीलंका भी चाहेगा कि इस मुकाबले को हम जीतें और विनिंग के साथ स्टार्ट करें अपना एक नया सफर श्रीलंका वर्ल्ड कप में। सो दोस्तों ये मुकाबला आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार में फ्री में देख सकते हैं और ये ट्यूजडे का दूसरा मुकाबला है। पहला मुकाबला जो है इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश के बीच है। सो ये मुकाबला कहां फिर से खेला जा रहा है? राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, जहां दोस्तों आज का मुकाबला पिछला मुकाबला हो गया न्यूजीलैंड और नीदरलैंड्स का। और उसमें आप लोगों ने जैसे कि देखा कि पहले बल्लेबाजी करते हुए नीदरलैंड्स ने जीता, न्यूजीलैंड ने जीता। तो जाहिर सी बात है यहाँ चेस भी करना आसान है। अगर सामने चेस करने वाली टीम हो लाइक टीम इंडिया, लाइक साउथ अफ्रीका, लाइक इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो ऐसी चेस करने वाली टीम हो तो यहाँ चेस भी हो सकता है राजीव गांधी मैदान में। हाई स्कोरिंग काउंटर, यहाँ जो है हाई स्कोरिंग काउंटर आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि यहाँ की पिचेस जो है वो बैट्समैन को काफी हेल्प करती है। और दो यहाँ बॉम गेम हो चुके जिसमें दोस्तों 300+ का स्कोर जो है 4 इनिंग में बन चुका है। जाहिर सी बात है कि यहाँ अच्छा स्कोर आपको देखने को मिल सकता है। इनकाउंटर मिल सो देखने वाली बात क्या होता है, तो दिस इज द बैटिंग फ्रेंडली देखने को मिल रहा है, देखते क्या होता है। सो पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के अगर मुकाबले की बात की जाए टू हेड मुकाबले में किसका पल्ला भारी है, सो दोस्तों अभी तक पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के बीच 1975 से मुकाबले हो रहे हैं और लगभग 156 मुकाबला हो चुका है पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच। और पाकिस्तान जब 92 मुकाबला जीता है वहीं श्रीलंका जो 59 मुकाबला जीता है और एक मुकाबला टाय रहा है, 4 मुकाबले जो नो रिजल्ट रहा है। तो ये हेड टू हेड में पल्ला भारी किसका है? पाकिस्तान का ही भारी है। और ऐसे भी अभी देखा जाए हाल फिलहाल के करंट रिकॉर्ड से देखा जाए तो पल्ला जो है वो शायद पाकिस्तान का ही भारी है। सो प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं, दोनों की प्लेइंग 11 लगभग सेम रहेगी। फखर जमां, इमामुल हक ओपनिंग करेंगे, वन डाउन बाबर आजम होंगे, फिर मोहम्मद रिजवान होंगे, फिर उसके बाद सौरभ शकील आपको दिखेंगे जिसने पहले मुकाबले में काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया, इफ्तिकार अहमद होंगे, मोहम्मद नवाज होंगे, शादाब खान होंगे, हसन अली होंगे, साइन अफरीदी होंगे, हारिस रौफ होंगे। सो ये प्लेइंग 11 रहने वाली किसकी? पाकिस्तान की। वहीं श्रीलंका के प्लेइंग 11 की बात की जाए तो कुशल पुरेरा और पार्थिव निशंकरण दोनों ओपनिंग करेंगे, वन डाउन दोस्तों आपको कुशल मेंडिस देखेंगे, फिर आपको देखेंगे सदीरा समार विकरा, फिर उसके आपको देखेंगे चरित असलांग का, फिर आपको देखेंगे ध्यानजा डिसिल्वा, फिर आपको देखेंगे दसुन सना का, फिर आपको देखेंगे दुनित बल्लागले, फिर आपको देखेंगे मतिशा पथिराना, फिर आपको देखेंगे दिलसान मधुसका, फिर आपको देखेंगे लहुर कुमारा या महेश सक्सेना। ज्यादा चांस है दोस्तों लहुर कुमारा को चांस दिया जा सकता है क्योंकि मतिशा पथिराना ने दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत ही घटिया बॉलिंग की जिसके कारण दोस्तों लगभग 90 रन ये पिटा दिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ। जाहिर सी बात है कि श्रीलंका के खिलाफ ये जो है पाकिस्तान के खिलाफ जो इनको बैठाया जा सके।
तो आप बात कर लेते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेयर की जो कि इस मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाम आता है दोस्तों बाबर आजम, जो कि काफी मैच से रन लेस रहे हैं, काफी कम रन बनाए, तो उनका भी बल्ला चल सकता है। फाकर जमा का भी बल्ला चल सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों कुशल मेंडिस का बल्ला चलेगा, कुशल परेरा का बल्ला चलेगा। बॉलिंग में बात कीजिए, हारिस रोप अच्छा कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों साइना फ्रीदी भी अच्छा कर सकते हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर के नाम मैंने आपको बता दिए। सो भाई मैच प्रेडिक्शन की बात की, मुकाबला कौन जीत सकता है, तो जैसा कि मैंने हेड टू हेड में बताया कि पल्ला जो है पाकिस्तान का ही भारी, क्योंकि पाकिस्तान ने 92 गेम्स जीता है भाई दोस्तों, श्रीलंका जो है मात्र 59 मैच जीता है। तो पल्ला जो है पाकिस्तान का ही भारी, अभी जो लास्ट रिकॉर्ड के मुताबिक भी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का बल्ला भारी, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान अपना लास्ट मुकाबला जीत के आ रहा है, वहीं दूसरी ओर दोस्तों श्रीलंका अपना लास्ट मुकाबला हार कर आ रहा है, वो भी बुरी तरीके से, सोच सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कॉन्फिडेंस लेवल पाकिस्तान का ज्यादा है। सो आई एम गोइंग विद पाकिस्तान, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इस मुकाबले को बड़ी आसानी तरीके से जीत जाएगा श्रीलंका के खिलाफ। तो देखते इस मुकाबले में क्या होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।